अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया इमाम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बिहार में होने वाला है धमाकेदार इंट्री। तारीख का हुआ घोषणा। मजलिस तहदुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बिहार के सीमांचल से निकल कर आ रही है। दोस्तों, एमआईएम पार्टी के चार विधायक टूटने के बाद पहली बार आ रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सीमांचल। असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सीमांचल में कब और किस तारीख में आने वाले हैं, पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब अनकरीब बहुत जल्द बिहार के सीमांचल में आने वाले हैं। इसके लिए बिहार मजलिस तहदुल मुस्लिमीन के पूरी टीम एमआईएम पार्टी के सदर दफ्तर दारुल ईमान किशनगंज में आज मीटिंग रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सीमांचल में कब और किस तारीख में आएंगे, आज बिहार मजलिस तहदुल मुस्लिमीन के पूरी टीम सदर दफ्तर दारुल ईमान से ऐलान करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई नई खबर हम तक पहुंचता है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के जरिए से बताने की कोशिश करूंगा। तो देर किस बात की, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं मजलिस तहदुल मुस्लिमीन से जुड़ी मुतालिक हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग कमेंट में ये बताइए, क्या मजलिस तहदुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार के सीमांचल आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।